प्राचीन भारत के ऋषि मुनि आज के मॉडर्न साइंस से इतना आगे थे कि वो सौर मंडल के 9 ग्रहों की खोज पहले ही कर चुके थे। आपको ये तो पता होगा कि कई हजारों सालों से हमारे सनातन धर्म में नवग्रह की पूजा की जाती है। अब कुछ महाज्ञानी कमेंट्स में आकर कहेंगे कि उन ऋषि मुनियों ने केवल सूरज, चांद, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि और राहु केतु की ही खोज की थी, जो कि खुले आंख से भी दिखाई देते थे। वैसे दोस्तों, राहु और केतु शैडो प्लैनेट्स हैं, पर उन महान ऋषि मुनियों ने यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की भी खोज पहले ही कर ली थी, जिन्हें वो श्वेता, श्यामा और तीक्ष्णा कहते थे। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी, पर दोस्तों 12वीं सदी का एक प्राचीन मंदिर हलेबेडू टेंपल, जो कि कर्नाटक में मौजूद है, वहाँ पे कुछ ये मिला। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि यूं ही नहीं सनातन धर्म को हर बार विज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर देना।